भारतीय क्रिकेट का अगर कोई पर्याय रहा है तो वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनके बारे में जिम्बाब्वे क्रिकेट कोच और पूर्व क्रिकेटर एंडी फ्लावर ने एक बार कहा था कि दुनिया में दो प्रकार के बल्लेबाज हैं, एक हैं सचिन तेंदुलकर और दूसरे अन्य सभी। एंडी फ्लावर के इस कथन से एक बात तो स्पष्ट होती है कि सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। आज 24 अप्रैल 2021 को सचिन 48 साल के हो गए हैं, तो इस मौके पर याद करते हैं पांच ऐसी तारीखों को जो सचिन के करियर के अहम दिनों में से एक हैं, या यूं कह लें कि वो एक क्रिकेट फैन की जिंदगी के सबसे खास पल हैं जो सचिन ने उन्हें दिए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जो तारीख सभी याद करते हैं वो है 27 मार्च 1994। ये दिन हर उस शख्स के लिए अनोखा है जो अपने आप को एक क्रिकेट फैन मानता है, क्योंकि इस दिन पहली बार सचिन तेंदुलकर भारत के लिए एक ओपनर के तौर पर मैदान में उतरे थे और उसके बाद से सब कुछ एक सुनहरे इतिहास में बदल गया। दरअसल सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, लेकिन 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहली बार एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे और उस दिन उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ते हुए 49 गेंदों में 82 रन बनाए थे। सचिन की इस धमाकेदार एंट्री के बाद उन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलियाई लोगों का गुमान तोड़ा था जब उन्होंने ब्रैडमैन को पूजे जाने वाले देश के खिलाफ अपना लोहा मनवाया था और ये तारीख थी 22 अप्रैल 1998। सचिन ने इस दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 2 शतक लगाते हुए अपने नाम की गूंज को भारत या ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में फैलाया। मास्टर ब्लास्टर ने पहले ऑस्ट्रेलियाई स्पिन डिपार्टमेंट को रिमांड पर लेते हुए 143 रन बनाए। उसके तुरंत बाद अगले ही मैच में 134 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये साल 2003 था जब आईसीसी विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे और तारीख थी 1 मार्च। इन दिनों पाकिस्तान की टीम के विवादों से ज्यादा चर्चित था उनके गेंदबाजों का घातक प्रदर्शन। स्टेज तैयार था और सामने थे शुएब रावलपिंडी एक्सप्रेस अख्तर, लेकिन वो उस दिन 5 फुट 5 इंच के सचिन के सामने बौने से दिखाई दिए। सचिन ने दुनिया की सबसे विनाशक बोलिंग लाइनअप की नाक में दम करते हुए 75 गेंदों में 98 रन बनाए। अपने प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने वाले सचिन ने 2010 में दोहरा शतक लगाकर सभी क्रिकेट प्रशंसकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 50 ओवरों के फॉर्मेट में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है, और वो भी तब जब सभी क्रिकेट पंडित उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हों। सचिन ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाकर अपने फैंस को जश्न मनाने का एक शानदार मौका दिया। इन तारीखों और सालों के मेले में एक ऐसा दिन भी आया जिसे भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ऊपर रखा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। ये दिन था 2 अप्रैल 2011 का। सचिन की जिंदगी में ये दिन एक सितारे की तरह था जिसने इस महान खिलाड़ी के करियर को पूर्ण बनाया। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े में श्रीलंका को हराते हुए आईसीसी विश्व कप की ट्रॉफी जीती। इस ट्रॉफी के इंतजार के खत्म होने के साथ साथ सभी क्रिकेट फैंस को ना भुलाए जाने वाली यादें मिली। अगर सचिन से जुड़ा कोई दिन आपको याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हैप्पी बर्थडे सचिन। स्पोर्ट्स डेस्क, ईटीवी भारत।